तो हेलो गाइस, आर एंड यू आर वाचिंग आर ब्लॉग्स। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारा यहाँ पर लास्ट दिन है। फाइनली हमने कोलकाता का टिकट बुक कर लिया। तो गाइस, आज उनका लास्ट एग्जाम है और आज का एग्जाम जो है 2 बजे या 3 बजे खत्म हो जाएगा। ओह सॉरी, 3 बजे खत्म हो जाएगा। तो आज तो मजा ही आने वाला है। आज लास्ट डे है क्योंकि आज सब जाने वाले हैं घर। बहुत सारे लोग जो है घर चले जाएंगे और कुछ रह जाएंगे इधर। देखते रहिए वीडियो को। अभी वो लोग नहा रहे हैं और रेडी हो रहे हैं एग्जाम देने के लिए। तो गाइस, आज इसका लास्ट एग्जाम है और एक ही पेपर है ना, और आज का पेपर अच्छे से देना, ठीक है? ठीक है ना? ठीक है ना बेबी? ठीक है, अच्छे से देना। और जाओ अभी जाके खाना खा लो। खाना खाने के बाद सब रेडी हो रहे हैं। तुम भी जाके रेडी हो लो। चलो मैं भी कुछ खा के आता हूँ, मुझे भी बहुत भूख लगा है। चलो खा के आओ। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए। तो पहले खाना खत्म कर लेते हैं और खाने के बाद हम फिर वापस आ जाएंगे। और वो लोग तो ड्राइवर लास्ट एग्जाम है उनका, वो बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। तो आने के बाद हम लूडो खेलेंगे, मतलब बहुत ही मस्ती करेंगे यहाँ पर क्योंकि सारे लोग चले जाएंगे। गाइस, अभी हम लेके आ गए हैं खाना दिन के लिए। तो अभी जा रहे हैं रूम पे। तो अभी वो लोग जा रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अभी उधर से एग्जाम हॉल से ही घर वापस चले जाएंगे। सभी पैकिंग करके बैठे हुए हैं नीचे, देख सकते हैं। तो अभी मैं अपने वाइफ को गाड़ी पे बिठा के बाद में रूम में जाता हूँ। तो गाइस, हम लोगों को विदाई देके मैं आ गया हूँ रूम पे। और मतलब यहाँ पर टैंकी में पानी भी नहीं है और करंट भी नहीं है। वो देख सकते हैं करंट आ गया। करंट के नाम लेते ही मतलब सुबह से करंट नहीं था, तो अभी करंट आया है और मेरे पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। तो मैं अभी जाता हूँ पानी वगैरह भरा के लेके आता हूँ, क्योंकि अभी करंट आ चुका है। तो आराम से पानी भर के आता हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने खाना लेके आ गया हूँ दोपहर के लिए, खाना लेके आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, पानी लेके आता हूँ पहले, इसके बाद नहाएंगे। नहाने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करेंगे। टिकट बुक किया है तो आज रात के 12 बजे, तो हमें 10 बजे निकल जाना है। तो इसके लिए हमने टैक्सी भी बुक कर लिया है। तो फिलहाल मैं जाता हूँ पानी भरवाने के लिए। तो देखते रहिए वीडियो। तो मैंने अभी पानी भरवा के लेके आ गया हूँ और करंट भी आ चुका है, मतलब जनरेटर स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर खाने के लिए मेरा दोपहर की खाने के लिए चावल है। और मैं अभी नहा के भी आ गया हूँ। और देख सकते हैं बाकी जो सारे लड़के हैं वो सब अपना बढ़िया बिस्तर बांध के एक साथ चला गया है, मतलब एग्जाम देने चला गया है। उधर से ही वो घर चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पर बिस्तर लगा लिया है, अभी मैं यहाँ पर आराम करूँगा। और यहाँ पर ऊपर पंखा भी है। तो मैं थोड़ा देर आराम करने के बाद खाना खाऊंगा। और यहाँ पर जो कॉलेज है इसमें मतलब इस कॉलेज का एग्जाम दूसरे कॉलेज में होता है और दूसरे कॉलेज का एग्जाम इस कॉलेज में होता है, इस टाइप का
एग्जाम होता है, मतलब एग्जाम सेंटर जो है चेंज होता रहता है। तो कॉलेज मतलब बहुत बड़ा कॉलेज है, कॉलेज के साथ स्कूल भी है। मालदा में आया हुआ, मुझे आज 7 दिन हो गया। तो 7 दिनों में मतलब वो लोग तो एग्जाम देने चले जाते हैं और मैं अकेला यहाँ पर रूम पे बैठा रहता हूँ, तो मुझे थोड़ी सी भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ही बोरिंग फील हो रहा है। और मेरे वाइफ जो है उसको बहुत ही अच्छा लगता है माता में, मतलब यहाँ पर जो जब भी आता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो चाहे उसको वोमिटिंग हो या उसका सिर दुखे फिर भी उसको अच्छा लगता है यहाँ पर घूमना यहाँ पर आना, तो उसको आने देते हैं। उसका हेडिक तो अभी मतलब ठीक ठाक है, उसका हेडिक तो नहीं यही है, नहीं चल रहा है, वोमिटिंग भी नहीं किया है और उसने खाना भी नहीं खा के गया, चीरा खाया था पानी के साथ। तो मैंने चावल के लिए बोला था, वो बोला जल्दी से आ जाएगा अब तो आके खाना खा लेगा उसके बाद। तो उन लोगों के लिए वेट करते हैं, अभी मैं लेता हूँ रेस्ट, तो देखते रहिए वीडियो को। तो गाइस मैं सो रहा था, इसी बीच वो लोग आ गए और अभी उनको मैं खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ होटल पे। तो चलिए होटल पे चलते हैं और खा लेते हैं, बहुत ही भूख लगा है। तो गुड इवनिंग गाइस, हम खाना खा के आ गए हैं और हमने रात को हमारा जो ट्रेन है रात के 12 बजे है, तो हमने गाड़ी बुक कर लिया है और गाड़ी आने वाला है रात के 10 बजे आने वाला है गाड़ी। तो अभी हम यहाँ पर टेरिस पे टहल रहे हैं, कल हम सुबह 7 बजे पहुँच जाएंगे कोलकाता। तो आज का वीडियो यही तक था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।